हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो दोस्तों जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ 10 गेम जो कि आप मिड रेंज वाले पीसी पे खेल सकते हो एंड जिनका ग्राफिक्स काफ़ी ओपी है, मतलब बहुत ही औसम ग्राफिक्स है एंड सभी लेटेस्ट गेम है, कोई इसमें पुराना गेम नहीं है, सब आपका हाल फिलहाल में रिलीज होने वाले गेम है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, गेम को इंस्टॉल करना, मेरे वेबसाइट पे कूद फान के जाओ, वेबसाइट नहीं मिल रहा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो या हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। भाई इतना तो कर लो यार, दिल से बुरा लगता है भाई जब तुम फॉलो नहीं करते हो यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके हाँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला गेम निकल के आता है माफिया डेफिनेटिव एडिशन एंड दोस्तों इस गेम का क्या कहना, अगर आप ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं अच्छे ग्राफिक्स के साथ तो ये गेम आप पे बिल्कुल सूट बैठता है एंड दोस्तों इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस गेम के बारे में थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। माफिया डेफिनेटिव एडिशन एक एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया था हैंगर 13 के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया 2K गेम्स के द्वारा एंड दोस्तों इस गेम को आप बोल सकते हो ये रीमेक है माफिया गेम का जो कि 2002 को रिलीज किया गया था। इस गेम में आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो पूरा ओपी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है। आपका ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे पीसी में खेल सकते हो, प्लेस्टेशन 4 में खेल सकते हो, एक्सबॉक्स में खेल सकते हो, तो ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। एंड दोस्तों इस गेम का मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगता है कि आफ्टर मिशन जैसे हम GTA 5 में इधर उधर मडरा उडरा सकते हैं, सिटी में इधर उधर कुछ भी घूम फिर सकते हैं, तो ये फ्रीडम आपको इस गेम में मिल जाता है। इस गेम को रिलीज किया गया था 25 सितंबर 2020 को एंड दोस्तों इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, रैम की बात करो तो मिनिमम 6GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 1GB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो यहाँ पर आपके पास i3 का प्रोसेसर होना चाहिए एंड स्पेस की बात करो तो मिनिमम आपके पास 49GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। अगर आप इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल रखते हो तो इस गेम को खेलने के लिए आप रेडी हो। गाइस बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। गाइस हमारा जो सेकंड नंबर वाला गेम है उसका नाम है साइबरपंक 2077 एंड जाहिर सी बात है नाम से आपको पता चल जाएगा ये फ्यूचरिस्टिक गेम है, मतलब 2077 को जो पूरा वर्ल्ड है वो कैसा दिखेगा वो इस बेसिस पे गेम बना है। सो वेल गाइस ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है एंड साथ ही साथ इसमें आपको RPG मोड मिलता है, मतलब इसमें आपको जो व्यूइंग एंगल है वो फर्स्ट पर्सन रहता है। बेसिकली आपको फर्स्ट पर्सन ही शूटिंग करना पड़ता है, जो भी आप एनिमी को मारोगे या कुछ भी करोगे, बट हाँ जब इस गेम में आप ड्राइविंग करोगे तो यहाँ पर आपको थर्ड पर्सन व्यू मिलता है। कुछ लोगों के मन में ये रहेगा कि भाई क्या हम एक मिशन कंप्लीट करने के बाद सिटी में इधर उधर भटक फिट रख सकते हैं, मतलब पब्लिक यही करती है कि हमको पहले सिटी देखना है भैया। तो जी हाँ दोस्तों आप इसमें सिटी में इधर उधर भटक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको अलग अलग टाइप के एबिलिटी टाइप के गन्स मिल जाते हैं एंड जाहिर सी बात है काफ़ी दिनों से इस गेम का सभी इंतजार कर रहे थे, निराश भी नहीं किया। इसका ग्राफिक बहुत ही अच्छा है, अभी तक के लिए मल्टीप्लेयर इसमें आया नहीं, बट जल्द ही इसमें लीक्स निकल के आ रहे कि इस गेम में मल्टीप्लेयर जल्दी आ जाएगा। तो टोटली ओपन वर्ल्ड गेम बेस है एंड वेल गाइस इस गेम के बारे में थोड़ा मैं और डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। रिलीज किया गया था 10 दिसंबर 2020 को एंड ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, PS4, PS5 एंड आपके PC के लिए भी उपलब्ध है। एंड बेसिकली दोस्तों गेम काफ़ी बढ़िया है, मतलब इस गेम का तारीफ करते आप थकेंगे नहीं, काफ़ी अच्छा गेम है, आपको ज़रूर से इसे ट्राई करना चाहिए। साथ ही साथ हाई ग्राफिक्स के साथ दोस्तों, मतलब एंड दोस्तों इस गेम का जो मैप है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें मिल जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा मैप है, मतलब आप आराम से इधर उधर घूम फिर सकते हो, तो बोर नहीं होगे इस गेम को खेलने के बाद, इतना मैं गारंटी देता हूँ। तो इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया है CD प्रोजेक्ट रेड के द्वारा एंड वेल गाइस इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर थोड़ा आपको अपना जो बजट है वो बढ़ाना पड़ेगा अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं। और अगर आपके पास 2GB रैम वाला PC है तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर आपको आई बटन में एक वीडियो मिलेगा, उसे जाके देख लेना, यहाँ पर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक बार देख लेना वीडियो कि कैसे मैंने 2GB रैम पे साइबरपंक को खेला है वो भी अच्छे ग्राफिक्स के साथ, तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस गेम की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। दोस्तों रैम की बात करो तो मिनिमम आपके पास 6GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड मिनिमम 2GB का होना चाहिए एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो मिनिमम i5 का प्रोसेसर आपके PC या लैपटॉप पे होना चाहिए। साथ ही साथ स्पेस की बात करो दोस्तों तो आपके पास 70GB का स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे, ठीक है, तो आप मीडियम सेटिंग में खेल सकते हो। एंड इसके ऊपर भी मैंने FPS बूस्ट, अगर आप में साइबरपंक लैग करता है तो प्लीज़ चेकआउट करें हमारे
FPS बूस्ट पैक को कैसे आप बूस्ट कर कैसे आप FPS बूस्ट कर सकते हैं साइबरपंक 2077 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे थर्ड गेम के ऊपर। थर्ड गेम है, उसका नाम है वॉच डॉग लीजन। एंड दोस्तों वॉच डॉग लीजन आप बोल सकते हैं ये एक सीक्वेंस है वॉच डॉग 2 का। सेम आपको वॉच डॉग 2 में जैसे हैकिंग वैकिंग आपको करना रहता है सेम इसमें भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं, पूरा ओपन वर्ल्ड सिटी का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लीजन, सो गाइस वॉच डॉग लीजन की बात करें तो वॉच डॉग लीजन एक एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। इस गेम को आप बोल सकते हो ये पूरा सीक्वेंस है वॉच डॉग 2 का। जो वॉच डॉग 2 में आप करते थे सिंपली आप वही करोगे वॉच डॉग लीजन में, बट इसका जो ग्राफिक क्वालिटी है क्वालिटी वो नेक्स्ट लेवल का है। साथ ही साथ ग्राफिक क्वालिटी के साथ दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया था 29 अक्टूबर 2020 को। एंड ये गेम आपका ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, PS4, PS5, Xbox एंड आपके PC के लिए भी ये गेम उपलब्ध है। एंड गाइज इस गेम में आपको बेसिकली ओपन वर्ल्ड सिटी मिल जाता है। इसका भी इस गेम का भी मैप काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की हैकिंग स्किल मिलते हैं, यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है। एंड देन आफ्टर आप सिटी पे इधर उधर घूम फिर सकते हो, रोम कर सकते हो, व्यूइंग एंगल पूरा आप आराम से ले सकते हो, कार वार भी एकदम बहुत ही झकास मिलता है। दोस्त बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई हमारे पास तो 8GB रैम नहीं है, क्या हम इस गेम को खेल सकते हैं? तो जवाब है हाँ आप खेल सकते हो। तो इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट दोस्तों वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 6GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो दोस्तों मिनिमम आपके पास 2GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। एंड प्रोसेसर की बात करो तो i5 का प्रोसेसर मिनिमम आपके PC या लैपटॉप पे होना चाहिए दोस्तों। एंड स्पेस की बात करो तो 45GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने PC या लैपटॉप पे। तो अगर आप इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल रखते हो तो इस गेम को खेलने के लिए आप रेडी हो। तो अगर आपको इस गेम को भी बाय करना है या डाउनलोड करना है तो मेरे वेबसाइट पे कूद फान के जाओ, ये टॉप 10 सीरीज के सभी गेम मिल जाएंगे फुकट में। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से भाई इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो ना। सो वेलकम गाइस, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। हमारा जो फोर्थ गेम है उसका नाम है एसेसिन क्रीड वल्हाला। एंड दोस्तों ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है जो 2020 में खेला गया था। एंड 2021 में भी इस गेम को बहुत ही ज़्यादा हाइप मिल रही है। तो मैं इस गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ दोस्तों। एसेसिन क्रीड वल्हाला जो है कि एक्शन एडवेंचर एंड रोल प्लेइंग गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड बेसिकली ये एसेसिन क्रीड का एक सीरीज है दोस्तों, इसमें भी आपको ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, यहाँ भी आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। एंड गेम को रिलीज किया गया था 10 नवंबर 2020 को। एंड दोस्तों ये गेम ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, PlayStation 4, PlayStation 5 एंड Xbox एंड आपके PC के लिए। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ जो कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों। रैम की बात को तो मिनिमम की बात को मिनिमम 6GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात को तो मिनिमम 1GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 का प्रोसेसर आपके PC या लैपटॉप पे होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 60GB के आसपास स्पेस खाली रखना भाई इस गेम को खेलने के लिए। तो अगर आप इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल रखते हो तो भाई गेम खेलने के लिए रेडी हो। एंड इस गेम का जो ग्राफिक क्वालिटी है भाई कतई तबाही ग्राफिक्स क्वालिटी, आप जब खेलोगे तो ही आपको पता चलेगा भाई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको फोकट में डाउनलोड करना है या आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो भाई दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूद फान के जाओ और अपना गेम को खेल लो। तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। फिफ्थ गेम है उसका नाम है जस्ट कॉज 3। एंड दोस्तों जस्ट कॉज 3 भी एक आपका एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया एवलान स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया स्क्वायर यूनिक्स के द्वारा। वो करना क्या रहता है सिंपली आपको यहाँ पर मिशंस कंप्लीट करने रहता है। आफ्टर मिशन आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, एरोप्लेन चला सकते हो, कार चला सकते हो एंड बाइक चला सकते हो। ओपन वर्ल्ड का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। सो वेल गाइस इस गेम को जो रिलीज किया गया था वो 1 दिसंबर 2015 को किया था। गेम पुराना है बट अभी भी चल रहा है एंड ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, PlayStation 4, Xbox एंड आपके PC के लिए। तो अगर आप इस गेम को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगी, या आप इस गेम को खरीदना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं इस गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट की थोड़ा बात कर लूँ कि इस गेम को रन करने आपके पास कितना मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इनफैक्ट आप जस्ट कॉज 3 को 4GB रैम में रन कर सकते हो। यहाँ पर मैं मिनिमम एंड टेस्टेड सिस्टम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। रैम की बात को तो मिनिमम 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात को तो मिनिमम 2GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास i3 का प्रोसेसर होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 50GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे। तो ये जो मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ इसमें आप मीडियम सेटिंग्स में आराम से अपने PC या लैपटॉप पे खेल सकते हो 4GB रैम में।
तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सिक्स गेम के ऊपर। हमारा सिक्स नंबर वाला गेम है, उसका नाम है नो मैन स्काई। एंड दोस्तों नो मैन स्काई के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सो वेल गाइस नो मैन स्काई जो आपका है एक सर्वाइवर गेम है, एंड इसमें भी आपको एक्शन एडवेंचर का भी एंड शूटिंग का भी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया था हेलो गेम्स के द्वारा, एंड ये गेम ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, PS4, Xbox, PS5 एंड PC के लिए उपलब्ध है। एंड वेल गाइस ये गेम रिलीज किया गया था 9 अगस्त 2016 को। गेम पुराना है बट अभी भी चलता है दोस्तों। बेसिकली इसमें आपको ओपन वर्ल्ड का सीरीज मिलता है, यहाँ पर आपको मिशंस मिलते हैं, आप सर्वाइव करना रहता है दोस्तों। आई थिंक जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करूँ तो मिनिमम आपके पास 6 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करूँ तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो मिनिमम आपके पास i3 का प्रोसेसर होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। स्पेस की बात करूँ तो मिनिमम आपके पास 40 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। तो इस गेम को भी अगर आप डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे सेवेंथ गेम के ऊपर, सो बल्कि जो हमारे सेवेंथ गेम निकल के आता है उसका नाम है ड्रैगन बॉल जी कैकरोट। ड्रैगन बॉल जेड कैकरोट भी एक आपका सेमी ओपन वर्ल्ड गेम है, इसे आप बोल सकते हैं। आपको ओपन वर्ल्ड का पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें आपको फाइटिंग करना रहता है अपने ओपोनेंट टीम के साथ, मिशन कंप्लीट करना रहता है। एंड सेमी ओपन वर्ल्ड दोस्तों की आफ्टर कंप्लीटिंग दिस गेम आपको फिर से गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप इधर उधर घूम फिर सकते हो। और डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ दोस्तों, इस गेम को रिलीज किया गया था 16 जनवरी 2020 को, एंड इस गेम को डेवलप किया गया है बैंडी निको के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे PlayStation 4 में खेल सकते हो, Xbox में खेल सकते हो, इनफैक्ट अपने PC में भी खेल सकते हो। एंड इस गेम का मेरे को ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है, एंड इसको मैं ऑलमोस्ट बहुत बार खेल चुका हूँ। आप इस गेम को जब खेलोगे तो आप बोर नहीं होगे। एंड तो दोस्तों इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है। सो बल्कि इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 4 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 1 GB नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें दोस्तों आपके PC या लैपटॉप पे 20 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। सो वेल गाइस अगर आपको इस गेम को भी डाउनलोड करना है विल बी इन माय वेबसाइट, तो वहां से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 8 गेम के ऊपर। सो वेल गाइस जो लिस्ट में जो हमारा 8 नंबर वाला गेम है उसका नाम है रेड डेड रिडेम्पशन 2। एंड इस गेम को अभी आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, इसका प्राइस ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, 100 to 1300 के बीच में ये गेम आपको मिल जाएगा। एपिक स्टोर से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है रॉकस्टार गेम के द्वारा। बेसिकली दोस्तों इस गेम में आपको करना क्या रहता है, सो बेसिकली ये गेम टोटली ओपन वर्ल्ड बेस है, मतलब आपको इसमें मिशंस कंप्लीट करना रहता है। एंड दोस्तों इस गेम का जो ग्राफिक्स है उसका क्या कहना, इसमें आप ऑलमोस्ट सभी चीज़ कर सकते हो जो आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। एंड वेल गाइस इस गेम को रिलीज़ किया गया था 6 अक्टूबर 2018 को, एंड ये गेम आपका ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है और PC के लिए भी आप इसे खेल सकते हो। इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार रेड रिडेम्पशन 2 6 GB रैम पे नहीं चलता, मिनिमम 12 GB रैम आपके पास होना चाहिए, बट ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट बोलने जा रहा हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 6 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड यहाँ पर आपको 2 GB नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो यार मिनिमम i5 का प्रोसेसर होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 150 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपकी PC या लैपटॉप पे। तो अगर आप इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल रखते हो तो मीडियम सेटिंग में आप रेड डेड रिडेम्पशन 2 को खेलने के लिए रेडी हो। तो इस गेम को भी अगर आपको प्ले करना है तो कूद फान के गिरते पड़ते मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपको ये गेम मिल जाएगा। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। जो 9th गेम है उसका नाम है क्राइसिस रीमास्टर्ड। एंड दोस्तों क्राइसिस रीमास्टर्ड का क्या कहना, दोस्तों क्राइसिस रीमास्टर्ड एक क्लासिक फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जो कि आपका पूरा एक्शन से भरा हुआ है। मतलब अगर आप एक्शन और ओपन वर्ल्ड गेम का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो भाई ये गेम आपके लिए बहुत ही बेस्ट फिट बैठता है। सो बेसिकली इस गेम में आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर आपको क्रिचर्स को मारना रहता है और आप कुछ मिशंस कंप्लीट करना रहता है। और इस गेम का मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगता है कि ये क्राइसिस गेम का रीमास्टर्ड है, मतलब पूरा ग्राफिक्स आपको यहाँ पर OP मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आपको कार्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पर टैंक्स मिल जाते हैं, एरोप्लेन मिल जाते हैं, तो पूरा ओपन वर्ल्ड गेम है दोस्तों, पूरा आप इसमें लुत्फ़ उठा सकते हो ओपन वर्ल्ड गेम का। तो यहाँ पर न्यू आपको इसमें वेपन्स मिल जाते हैं। सो वेल गाइस इस गेम को डेवलप किया गया था क्रिटिक के द्वारा एंड इसे पब्लिश भी किया गया के द्वारा। एंड दोस्तों बेसिकली एक शूटिंग फर्स्ट पर्सन FPS गेम है
एंड ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, विंडोज, प्ले स्टेशन एंड अदर प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 6 GB होना चाहिए, अगर ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 1 GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 का मिनिमम आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। स्पेस की बात करो तो मिनिमम 19 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे, अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो। इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना अपने पीसी या लैपटॉप पे तो कूद फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ, इस गेम को वहां से इंस्टॉल करो। जो आखिरी गेम निकल के आता, जो नंबर 10th गेम निकल के आता, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर। अब आप बोलोगे भाई कि माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर थोड़े ना ओपन वर्ल्ड गेम है, तो भैया मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है। हाँ मानता हूँ इसमें आपको हवाई जहाज उड़ाना रहता है, बट आप कहीं भी दुनिया के मैप पे जाके हवाई जहाज उड़ा सकते हो। इनफैक्ट अपने इंडिया का भी मैप इस पे दिया गया है, तो ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड का कहीं भी आपको जाना है तो बेसिकली बोला जाए तो यही सारी मात्रा पे एक ओपन वर्ल्ड गेम है। ठीक है, ओपन वर्ल्ड गेम है तो यहाँ पर आपको प्लेन उड़ाना रहता है। एंड दोस्तों सही बताऊँ तो इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफ़ी तगड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं एक बार इस गेम को आपको ज़रूर खेलना चाहिए। विथ माई ओपिनियन एक बार ज़रूर इस गेम को खेलना यार, एंड कमेंट सेक्शन बताना कि ये गेम आपको कैसा लगा। तो इस गेम के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर एक ओपन वर्ल्ड गेम है, ठीक है, यहाँ पर आपको फ्लाइट्स उड़ाना रहता है एंड सभी टाइप के यहाँ पर आपको एरोप्लेन देखने को मिल जाते हैं, छोटे से लेके बड़े एरोप्लेन तक। एंड बेसिकली आपको एक डेस्टिनेशन अपना पूरा करना रहता है। ये गेम आपका सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, इनफैक्ट पीसी के लिए भी उपलब्ध है। पब्लिश एंड डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। दोस्तों रैम की बात करो तो 6 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड मिनिमम 1 GB होना चाहिए, प्रोसेसर की बात करो तो i3 में गेम चल जाएगा, और स्पेस की बात करो तो यार काफ़ी बड़ा गेम है, मिनिमम 160 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को खेलने के लिए। तो इस गेम को भी अगर आपको खेलना है, इंस्टॉल करना, तो कूद फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप इस गेम को प्ले कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही कुछ 10 गेम थे जो कि आप 2021 में भी अपने मिड रेंज वाले पीसी पे खेल सकते हो। तो वेलकम, में से कोई भी एक गेम पसंद आता है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आप ही के लिए कमेंट सेक्शन है भाई, तो कमेंट करो। और एक बात कि अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम एंड हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो भाई देखो बवासीर हो जाएगा यार, मजाक कर रहा था भाई, भाई माफ़ कर देना। तो प्लीज़ जाके ज्वाइन हो जाना भाई, अच्छा लगता है, देखो यार दिल से बुरा लगता है यार आप जब ज्वाइन नहीं करते हो। वीडियो बस इतना ही था, आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड अपने प्यारे चमचमाते फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना, क्योंकि भाई बताओ कि ये देखो यार अगर तुम्हारे पास भी मिड रेंज वाला पीसी तो ये सब गेम तुम खेल सकते हो, ओपन वर्ल्ड गेम। तो बस दोस्तों ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना, तो जय हिंद जय भारत।